नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। शारजहां में आया ऋषभ पंत का तूफान और कोलकाता के गेंदबाज पंत की आंधी में उड़ गए। ऋषभ पंत ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 38 रनों की पारी खेली और उन्होंने मात्र 17 गेंदों का सामना किया। इस दौरान ऋषभ पंत के बल्ले से 5 चौके और 1 छक्के भी निकले। 224 के स्ट्राइक रेट से पंत ने लाजवाब बल्लेबाजी की। ऋषभ पंत फॉर्म में नजर आ रहे थे और कोलकाता के गेंदबाजों की धुनाई करने ही वाले थे कि आउट हो गए। ऋषभ पंत को आंद्रे रसेल ने आउट किया, पर तब तक वो कोलकाता की गेंदबाजी अटैक को तहस नहस कर चुके थे। आपको बता दें, ऋषभ पंत ने अपनी पारी के दौरान बड़े बड़े शॉट्स और सटीक शॉट्स लगाए, पर आंद्रे रसेल की एक फुलर लेंथ की गेंद को उठाकर लॉन्ग ऑन पर मारना चाहते थे, पर हुआ ये कि शिवम मावी ने सीमा रेखा पर एक आसान सा कैच लपक कर ऋषभ पंत की पारी का अंत कर दिया। गौर हो, इस सीजन ऋषभ पंत का बल्ला खामोश रहा था और उनसे बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही थी, पर ऐसा आज हो नहीं पाया। बावजूद इसके 17 गेंदों में 38 रन बनाकर ऋषभ पंत ने सभी का दिल जीत लिया। वैसे ऋषभ पंत पर लगातार प्रदर्शन का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे की वजह संजू सैमसन और ईशान किशन हैं, जो अपने दम पर टीम को मुकाबला जिता रहे हैं। बहरहाल, ऋषभ पंत अपनी इस पारी से संतुष्ट जरूर होंगे। बताते चले कि आईपीएल के 13वें सीजन का 16वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शारजहां के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 228 रन बनाए और कोलकाता के सामने जीत के लिए 229 रनों का टारगेट रखा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।